बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने डिस्कस करना था जो पेपर पैटर्न कुछ चेंज हुआ है एफिलेटेड कॉलेजेस के लिए, सारे जो है यूनिवर्सिटी का, प्राइवेट और एफिलेटेड सभी के लिए यूनिफॉर्मली एक ही पैटर्न इंट्रोड्यूस करवाया गया है, चाहे वो 2 आवर क्रेडिट आवर का कोर्स हो, चाहे 3 का हो, चाहे 4 का। तो सेम जो पेपर पैटर्न है वो अडॉप्ट होगा। तो उस पेपर पैटर्न में जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन की गई है मार्क्स की, वो टोटल 100 होगी, चाहे वो 2 क्रेडिट आवर का कोर्स है, चाहे 3 क्रेडिट आवर का कोर्स है, चाहे 4 का है, चाहे प्रैक्टिकल कोर्स है का थ्योरी है, उसके 100 मार्क्स होंगे। जो 100 मार्क्स हैं फिर वो अकॉर्डिंग टू क्रेडिट आवर्स वो उसमें आगे कन्वर्ट हो जाएंगे, जब आप इसको हम फैकल्टी पोर्टल के ऊपर इसको पुट करेंगे, वहाँ पे फार्मूला इसका लगा देंगे। तो जो टोटल मार्क्स होंगे 100 होंगे इस हर सब्जेक्ट के, हर क्रेडिट आवर के लिए, और उसके लिए 3 आवर्स का टाइम होगा। और फर्दर उस जो आपके पास पेपर होगा उसके 2 पार्ट्स होंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, दोनों ज़रूरी होंगे, सब्जेक्टिव पार्ट भी और ऑब्जेक्टिव पार्ट भी। जो ऑब्जेक्टिव पार्ट में उसमें सिर्फ एमसीक्यूज अलाउड है, और उसमें सिर्फ 20 मार्क्स का ये पार्ट होगा ऑब्जेक्टिव पार्ट, और ये 30 मिनट में आके आपको मिलेंगे इस पार्ट के लिए। और 30 मिनट के बाद आपको जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है या एमसीक्यूज हैं वो आपको रिटर्न करने होंगे आपके जो इन्विजिलेटर को। और इसका मतलब है आपके पास एक एमसीक्यू के लिए 1.5 मिनट होगा, तो उसके मुताबिक आपने इसको एडजस्ट कर लेना। और एमसीक्यूज में जो ओवर राइटिंग है या डबल टिक करेंगे तो वो अलाउड नहीं होता, वो आपका कैंसिल हो जाता है। तो इसके लिए जो भी एमसीक्यू को आप फिल करें उसको ज़रा अच्छे से सोच समझ के करें। जो उसमें 2 वाले एमसीक्यूज टिक होंगे वो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। फर्दर जो जो बाकी ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव पार्ट है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है, उसमें टोटल 4 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, और हर जो क्वेश्चन है उसके 20 मार्क्स होंगे। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा होगा तो उसके पार्ट्स भी हो सकते हैं 2 से 3, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट कि उसको में कितना टाइम आपको देना है। तो ये इसके हर क्वेश्चन है उसके 20 मार्क्स होंगे। और ओवरऑल जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया यही वाला फॉलो होगा, मगर मे बी उसमें कुछ चेंजेस हो सकती हैं, थोड़ी बहुत क्वेश्चनिंग एमसीक्यूज की बजाय कुछ लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन हो जाए, वो सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट में है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें एमसीक्यूज नहीं बन सकते, तो वहाँ पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन टाइप भी हो सकते हैं। बट ओवरऑल जो ये चीज़ है यही होगी, कुछ चंद एक पेपर्स में ऐसा हो सकता है, मगर यूजली यही वाला पैटर्न फॉलो होगा। तो ये आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि पेपर पैटर्न मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, या मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, और इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं, उसके फिर मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।